बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर खबरों का दौर जारी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर चारों ओर विवाद चल रहा है। कोई उनके समर्थन में है तो कोई उनके खिलाफ। उन पर पाखंड फैलाने के आरोप लग रहे हैं। इस बीच कई लोग दावा कर रहे हैं कि उनके पास दिव्य शक्ति है, तो वहीं दूसरी ओर रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर भी विवाद खड़ा हो गया है। अब तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जानकारी के मुताबिक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समय सुर्खियों में है। उन पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं सरकार इसे सनातन धर्म पर हमला बता रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं। दूसरी ओर रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर भी मामला गर्मा गया है। कुछ लोग इसे रामचरितमानस से निकालने की बात कर रहे हैं। इस मामले में आज तक की खबर के मुताबिक श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी श्री राम भद्राचार्य ने अपना बयान दिया है, जिन्हें धीरेन्द्र शास्त्री अपना गुरु मानते हैं। भद्राचार्य नेत्रहीन हैं और उन्हें मानस मर्मज्ञ माना जाता है। उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान पर भद्राचार्य भड़के हुए हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा है कि वो सठिया गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। स्वामी रामचंद्र भद्राचार्य ने कहा कि ये विनाश काले विपरीत बुद्धि है। इसके अलावा रामचरितमानस को संशोधित करने के आरोप पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं 20 बार कह रहा हूं कि मैंने संशोधन किया ही नहीं था। पूछने वाले मूर्खों को संशोधन और संपादन का अंतर ही समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, मुकदमा चला तो आरोप खारिज हो गए। अखाड़ा परिषद और राम जन्मभूमि न्यासा द्वारा आपत्ति के मुद्दे पर स्वामी राम भद्राचार्य महाराज बोले कि वो तो मूर्ख लोग हैं, राम जन्मभूमि पर न्यास ने नहीं अखाड़ा परिषद ने आपत्ति की थी। अब मुकदमों से मेरे अनुकूल निर्णय आ गया है और उन सभी का मुंह बंद हो गया है। इतना ही नहीं, उनसे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर जब बात की गई तो उन्होंने उनका समर्थन किया। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कब होगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। जाहिर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे दिया था, तो वहीं बागेश्वर धाम सरकार को लेकर आजकल खबरों का बाजार बेहद गर्म है। टीवी पर उनकी शक्ति को लेकर बहस चल रही है। ऐसे में ये मामला किस हद तक जाकर रुकेगा या इस मामले में क्या नतीजा निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।